शुरुआत करेंगे अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की खबर के साथ, क्योंकि मिशन बंगाल पर हैं अमित शाह। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर पहले वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दरबार में पहुंचे सुबह, और फिर कल अमित शाह ने आदिवासियों के घर पर भोजन किया था। आज वो मडवा समुदाय के लोगों के घर भी जाएंगे, वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। भोजन का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, सांसदों के साथ संवाद होगा। उनके दौरे का मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। काली मंदिर में पूजा की, उसके बाद शाह सीधे ममता सरकार को ललकारते नजर आए। तीखा हमला उन पर बोला, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। अभी अमित शाह शास्त्रीय संगीत कलाकार और जॉय चक्रवर्ती के घर पहुंचे, वहां पर वो संगीत का आनंद ले रहे हैं। चार तस्वीरें, सुबह के दर्शन, उसके बाद दोपहर के बाद भोजन होगा, संगीत का आनंद भी लिया। और इस बीच ये भी हम आपको बताएं कि आज सुबह अमित शाह ने कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी। यहाँ शानदार स्वागत हुआ था उनका। आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू की ये रिपोर्ट देखिए। और कितना महत्व बीजेपी दे रही है बंगाल को इस वक्त, और उसका शुरुआत आज दक्षिणेश्वर के इस मंदिर से हो गया है। आज वो यहाँ पे आए और इसके साथ साथ ये भी कह दिया चुनावी व्यूवल बजाते हुए कि ये जो पुण्य भूमि है जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है, इसको कहीं ना कहीं तरह से आहत किया गया है, इसकी चेतना को आहत पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति है। और यही हो गई बीजेपी का जो एजेंडा, जो कैंपेन है ममता सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, इसको साफ कर दिया है अमित शाह ने। और आज बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होने वाली है कुछ देर में, जहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति होने वाली है बीजेपी की 2021 से पहले पश्चिम बंगाल में। उसके साथ साथ मतुआ संप्रदाय, जिसको काफी काफी क्लोज नजर से बीजेपी इस वक्त देख रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये जो मतुआ संप्रदाय है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो उस पार से आए हैं, जब बांग्लादेश बन गया है और ये हिंदू शरणार्थी है, इनको अगर वोट में तब्दील किया जाए इनके सपोर्ट को, तो बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस गया हूं। कि बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु स्वामी प्रणवानंद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। आज वही भूमि पर जिस प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे।